हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर द गिविंग ट्री। सो लेट अस स्टार्ट। टुडे वी विल डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको, और ब्रैकेट में लास्ट में आपको एक वर्ड दिया गया है। आपको यहाँ पे एक नया वर्ड बनाना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है ना। तो देखिए, द चिल्ड्रन लव टू सिंग। अब यहाँ पे है लाउड, तो चिल्ड्रन कैसे गाते हैं, है ना, कैसे उन्हें गाना पसंद है, तो लाउडली। बच्चों, जब हम किसी वर्ड के एंड में, वर्ब के एंड में एल वाई लगाते हैं, एक्शन वर्ड के एंड में एल वाई लगाते हैं, तो वो बन जाता है एडवर्ब। हम बता रहे हैं कि वो सिंग कैसे कर रहा है ना। नेक्स्ट में बताएंगे हम वो रीड कैसे कर रहे हैं। हम वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, है ना। और ऐसे वर्ड्स जो वर्ब्स को, एक्शन वर्ब्स को डिस्क्राइब करें, उन्हें बोलते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो आपको जस्ट एल वाई लगाना है और इन्हें फिल करना है। जैसे देखिए, रीड योर लेसन, साइलेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा साइलेंटली। ऐसे ही थ्रो द बॉल स्लोली, द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय। अब यहाँ पे हैप्पी है, तो हैप्पी में जब मैंने आपको बताया था, हैप्पी में जब हम एल वाई लगाते हैं तो ये वाला वाई हटा दिया जाता है और इसके प्लेस पे आई आ जाता है, तो वर्ड बन जाएगा हैप्पीली, है ना। और लास्ट है डू योर वर्क नीट, तो नीट का क्या बन जाएगा, नीटली, है ना। आपको जस्ट इसमें एल वाई वर्ड्स लगाने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके फिलप्स हैं, और ये जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर बेस्ड हैं। तो देखिए बच्चों, माई मदर वेंट टू द मार्केट, मेरी माता जी कहाँ पे गई, मार्केट में गई, एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ। यहाँ पे बताइए बच्चों, एप्पल आएगा या एप्पल्स आएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे किलोग्राम है, तो किलोग्राम में एक एप्पल तो होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे आएगा एप्पल्स, है ना। ऐसे ही अ डजन बनाना, तो बनाना नहीं आएगा, डजन, डजन में, एक डजन में कितने आइटम्स होती हैं, 12, तो ये सिंगुलर तो होगा नहीं, ये तो प्लूरल हो गया, 12 तो है ना, तो यहाँ पे आएगा बनानास। ऐसे ही अ डजन ऑरेंज, ऑरेंजेस तो दोनों में से एक आएगा। अब यहाँ पे डजन है, तो डजन में 12 आइटम्स होती हैं, तो ये सिंगुलर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑरेंजेस, ठीक है बच्चों। I love oranges, so I ate an। अब यहाँ पे an आ गया है, तो an कहाँ यूज़ होता है, a और an वहाँ पे यूज़ होते हैं जब सिंगुलर नाउन हो, है ना, तो an है तो यहाँ पे orange आएगा। अब यहाँ पे देखिए, my brother wanted a, तो a लगा हुआ है, a लगा हुआ है, तो banana और bananas दोनों में से कौन सा आएगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर कौन सा है, banana, है ना। and my sister asked for an एप्पल, है ना, क्योंकि एन लगा हुआ है, ए और एन के बाद सिंगुलर वर्ड्स आते हैं, है ना। अ ट्री हैज वन, अब वन है तो ट्री के पास क्या वन होता है, ट्रंक या ट्रंक्स, तो यहाँ पे आएगा ट्रंक, एक ट्री का एक ही ट्रंक होता है, एक ही तना होता है, है ना। अ ट्री हैज वन ट्रंक बट मैनी ब्रांचेस, क्योंकि मैनी है तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आता है ना। ऐसे ही अ लगा हुआ है, तो अ के बाद सिंगुलर आएगा, तो ब्रांच और ब्रांचेस कौन सा आएगा, ब्रांच, है ना। अ ब्रांच हैज अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मींस प्लूरल है, अ नंबर ऑफ लीव्स, एक ब्रांच पे काफी सारे पत्ते होते हैं, और डैश में यहाँ पे अब देखिए फ्लावर और फ्लावर्स, तो अ नंबर ऑफ लगा हुआ है शुरू में, तो यहाँ पे भी प्लूरल आएगा फ्लावर्स, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको देखना है यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल में से कौन सा आएगा। अब यहाँ पे किलोग्राम था तो मैंने प्लूरल लिया, डजन, डजन में 12 आइटम्स होती हैं, तब मैंने यहाँ पे प्लूरल लिखा है, है ना। और एन और ए, ए और एन कहीं पे भी नजर आए तो उसके बाद एकदम सिंगुलर वर्ड आते हैं, है ना। अब वन था तो वन ट्रंक, और मैनी, मैनी के बाद प्लूरल वर्ड आता है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ब्रांचेस किया था, है ना। तो नंबर ऑफ हैज अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ यानी काफी संख्या में है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लूरल वर्ड लीव्स एंड फ्लावर्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपके पास ये है, लेट अस राइट में, तो रीड कीजिए।
राइट दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. आपके पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं बच्चों, देयर आर फोर सेंटेंसेस. आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है अपनी नोटबुक में. ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, है ना. तो ये वर्ड्स भी आपने इन सेंटेंसेस से पहले पुट करने हैं. और ध्यान रहे आपको इन वर्ड्स के बाद एकदम क्या लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोमा, पुट अ कोमा आफ्टर इट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों पहले हम सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं. यहाँ पे है इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, है ना. उसके बाद यहाँ पे इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप. तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, और लास्ट में जब आएगा तो इसके आगे यहाँ पहले हम क्या यूज करेंगे, फाइनली. इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, है ना. और द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय. तो सबसे पहले तो एप्पल ही दिए थे ट्री ने, है ना. तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, है ना. उसके बाद क्या दिया था उसने, यस, ब्रांचेस दी थी, है ना. तो ब्रांचेस में आएगा, देन आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ बोट. उसके बाद उसने फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर दैट इट गेव इट हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस. ठीक है, और देन उसने क्या दिया था, ट्रंक दिया था बोट बनाने के लिए, है ना. देन इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, है ना. देन मीन्स तब उसने उसे ट्रंक दे दिया अपना. और लास्ट में जो सबसे लास्ट है वो है फाइनली. फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप. और सबसे एंड में उसने स्टंप पे बैठने के लिए उसे कहा था. ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके फोर सेंटेंसेस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नॉट कट द ट्रीज. हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए. तो बच्चों आपको मैंने कल भी बताया था कि जो हमारे ट्रीज होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, फूड देते हैं, काफ़ी कुछ देते हैं, है ना. तो यहाँ पे वो सभी आपने लिखने हैं. मैंने लिखा है वी शुड नॉट कट ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, बाग, कई जो मेडिसिंस होती हैं उसमें ट्रीज का बाग यूज़ होता है, ब्रांचेस, वुड, लकड़ी हमें मिलती है, रूट्स, जड़ें हमें मिलती हैं. जो रूट्स जैसे आपकी कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, है ना, तो वो रूट्स में ही तो लगती हैं, तो वो हम खाते भी हैं. एडिबल एंड एडिबल थिंग्स हमें मिलती हैं, जितने भी फूड हमें मिलता है वो प्लांट से ही मिलता है. एंड शेल्टर, और रहने के लिए जो हमें शेल्टर मिलता है, है ना, जो वुड होगी हम उससे अपना घर बना सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑल्सो प्योरीफाई द एयर. वे एयर को प्योरीफाई करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना. एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप. और जहाँ पे ट्रीज ज़्यादा होते हैं, हरियाली ज़्यादा होती है, तो वो लैंड उस एरिया की जो ब्यूटी होगी वो अपने आप में देखने में अच्छी लगेगी हमें, है ना. जहाँ पे ट्रीज हरा भरा एरिया नहीं होगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है बच्चों, वर्क इन अ ग्रुप. आप एक ग्रुप में काम कीजिए. एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ओल्ड पर्सन की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं. आपको यहाँ पे फाइव ऐसी थिंग्स लिखनी है. नाउ राइट फाइव ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू. आप अपने ओल्ड पर्सन या ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं. आपको यहाँ पे फाइव सेंटेंसेस लिखने हैं. तो देखते हैं. फर्स्ट है, टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन एंड टाइमिंग ऑफ देयर इनटेक. बच्चों जो ओल्ड पर्सन होते हैं उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी हो जाती है वीक हो जाती है, वो बीमार भी पड़ सकते हैं. तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी दवाओं का और उसके दवाओं की टाइमिंग का, हमें मेडिसिन की टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए. टेल देम अ स्टोरी और न्यूज़पेपर. हो सके तो आप उनके पास बैठिए, उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाइए. इससे आपकी रीडिंग भी अच्छी रहेगी और उनका भी मन लगा रहेगा, है ना. गो ऑन मॉर्निंग वॉक विद देम. और आप उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग तो हर एज में बेटर ही होती है, हर एज के लिए. तो उनकी मॉर्निंग वॉक के साथ आपकी भी हो जाएगी वॉकिंग, है ना. गिव देम वाटर और मिल्क व्हेन दे नीडेड. जब जब उन्हें ज़रूरत हो पानी की या दूध की, मिल्क की, तो आप उन्हें दे सकते हैं और उनके पास बैठिए बच्चों. ऑलवेज मेक देम स्माइल बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम. तो इन द एंड यही है कि आप हमेशा उनके पास बैठिए, उन्हें हंसाइए, उन्हें स्माइल कराइए. वो अच्छे रहेंगे, वो खुश रहेंगे, तो आपका भी मन लगा रहेगा, आप भी खुश रहोगे, है ना. नेक्स्ट है बच्चों, एक चिंता चेतु के बारे में आपके पास ये कुछ लाइन्स हैं,
तो मैं रीड करता हूँ आपके लिए। चिंता चेतु इज अ टैमराइन ट्री, एक टैमरिन ट्री है बच्चों, इमली का पेड़ है। दिस फेमस टैमराइन ट्री इज इन ग्वालियर, ये कहाँ पे है, ग्वालियर में है। इट ग्रोज ओवर तानसेन टॉम्ब, तानसेन की टॉम्ब पे, तानसेन का जो मकबरा है, कब्र है, वहाँ पे ये उगा हुआ है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर, जो तानसेन था वो एक ग्रेट सिंगर था, एक फेमस सिंगर हुआ करता था अकबर के टाइम में, है ना। ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री, और अगर आप इस इमली के पेड़ के पत्ते खाते हैं, एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन, तो आपकी भी आवाज़, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसकी इमली का पत्ता तोड़कर खाओगे तो आपकी आवाज़ भी मधुर हो जाएगी, आप भी तानसेन की तरह गा सकोगे, ठीक है। तो बच्चों तानसेन जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर के दरबार में आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा, तो ऐसे ही वहाँ पे एक तानसेन थे जो संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे, है ना, सिंगर थे, और ऐसा कहा जाता था वो काफ़ी सारे राग गाते थे, राग भैरवी, ठीक है, मेघराज, तो ऐसे राग वो गाते थे, और दीपक राग, तो उसमें क्या होता था कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो दीपक राग गाया करते थे तो जो दिए हैं, दीपक जो होते हैं, वो अपने आप जलने लग जाते थे, और जब वो मेघ राग गाते थे तो वर्षा होने लग जाती थी, है ना। तो तानसेन एक फेमस सिंगर था, उसकी टॉम्ब पे एक इमली का पेड़ है, और अगर आप उस पेड़ का नाम क्या है, चिंता चेतु, और अगर आप उसका पत्ता खाते हो तो आपकी आवाज़ भी कहा जाता है कि मधुर हो जाती है कुछ समय के लिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इसी के ऊपर बेस्ड। चिंता चेतु इज अ टैमरिन, तो वो क्या है, पत्ता है, लीव है या ट्री है, तो हमें पता है वो एक ट्री का नाम है। दिस फेमस ट्री इज इन, कहाँ पे है वो, गुंटूर में है या ग्वालियर में, तो ये तो ग्वालियर में है। तानसेन वॉज अ फेमस, तानसेन क्या था, सिंगर था या डांसर, तो तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर। फोर्थ है, द टैमरिन ट्री ग्रोज ओवर तानसेन हाउस पे है या टॉम पे, तो वो तानसेन की टॉम पे है, तानसेन की कब्र के ऊपर है। ईट द लीव्स ऑफ टैमरिन ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन, और अकबर आप किसकी तरह गाने लगोगे, तो आंसर है तानसेन, क्योंकि तानसेन सिंगर था, अकबर तो किंग था, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।